स्वदेशी का व्रत। हर भारतीय, हर देशभक्त, हर देश की सजग और जागरूक भाई बहन को लेना है। हम अनजाने में ही देश का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, हम अनजाने में ही देश को कमजोर बनाते हैं। देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक शक्ति होती है। जो देश दरिद्र है, जो देश गरीब है, वो कभी भी दुनिया में सिर उठाकर के सम्मान के साथ खड़ा नहीं हो सकता, जी नहीं सकता। हम यदि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो सबसे बड़ी इस देश की आर्थिक हानि होती है, और देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर पड़ता है, देश दरिद्र होता है। देश की साधनों पर, देश की संपत्ति पर, देश की प्रतिभाओं पर दूसरे देशों का अधिकार हो जाता है, तो इससे देश कमजोर पड़ता है। हम अपने नित्य प्रयोग की वस्तुएं हों, हमारे घर में, ऑफिस में, दुकान में, मकान में, हमारी जिंदगी में जो भी हम कुछ प्रयोग कर रहे हो, हमारी पेन से लेकर के, हमारी घड़ी से लेकर के, हमारे टूथपेस्ट से लेकर के, साबुन से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, जूते चप्पल से लेकर के, जो भी हम विदेशी सामान जो हम प्रयोग में लाते हैं, विदेशी वस्त्र हम प्रयोग में लाते हैं, इससे देश का प्रतिवर्ष जो अभी वर्ष 2008-09 के आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग 232,000 करोड़ रुपए का, ये तो ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड, जो नंबर एक में वो लोग सामान बेचते हैं और उससे देश का धन लूटते हैं उसके आंकड़े हैं। विदेशी कंपनियों के हाथों में अपने देश के संसाधनों को, देश की संपत्ति को, देश के वैभव को हम लुटा रहे हैं, तो फिर हमारी आज़ादी का अर्थ क्या रह गया। और हम यदि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो उससे जो है, जो पैसा मिलता है वो विदेशी कंपनियों को मिलता है। विदेशी कंपनियां कभी भी अपना देश का हित नहीं करती हैं। आंकड़ों के साथ इन बातों के आपके बीच में रखा जाएगा कि विदेशी कंपनियां कितनी पूंजी लेकर के आई और कितनी पूंजी अनुमानित वो लूट करके लेके गई, उनके आने से कितने भारत के लोग बेरोजगार हुए, कितनी टेक्नोलॉजी वो हमारे यहाँ पर लेकर के आई। टेक्नोलॉजी विदेशियों ने हमको दी, अपने देश के लोगों ने ही अपने देश में विकसित की, चाहे वो सुपर कंप्यूटर की बात थी या सैटेलाइट की बात थी या चंद्रयान की बात थी या परमाणु बम की बात थी। हमने टेक्नोलॉजी विदेशों से हासिल की, अपने देश के लोगों ने विकसित की, और विदेशों में भी हमारे देश के लोग ही विकसित कर रहे हैं। और विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर निर्यात बढ़ाती हैं या निर्यात को घटाती हैं। और एक मैं बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मनाक बात, और अनजाने में जिसको हम अंजाम दे रहे हैं, कर रहे हैं, कि हम जो विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं उससे देश का पैसा बाहर जाता है। देश का पैसा बाहर भेजना ये देश के साथ वफादारी नहीं, देश के साथ गद्दारी है। तो हम यदि विदेशी सामान हम प्रयोग में लाते हैं, विदेशी भेषज प्रयोग में लाते हैं, इस सब से देश का पैसा देश के बाहर जाता है, और देश का पैसा देश से बाहर भेजना ये देश के साथ, मैंने कहा, वफादारी नहीं, देश के साथ में क्या है, गद्दारी। तो हम एक संकल्प लेंगे कि हम अनजाने में भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, तो ये देश के लोगों को समझाएंगे कि जो हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं ये देश के साथ में बहुत बड़ा हम धोखा कर रहे हैं, देश के साथ में हम बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। कम से कम हम ऐसा तो काम करें कि आने वाली पीढ़ियाँ हमें देश के गद्दारों में नहीं, देश के वफादारों के रूप में हमको याद करें। ऐसा हमको कुछ करना है, और ये संकल्प देश के करोड़ों लोगों में हमको जगाना है। स्वदेशी मात्र वस्तु या स्वदेशी वस्त्र ही नहीं, स्वदेशी एक बहुत बड़ा विचार है, एक बहुत बड़ा चिंतन है। जहां जहां स्वदेश का अभिमान जुड़ा हुआ है, जहां जहां देश का सम्मान जुड़ा हुआ है, वह देश की भाषा हो, वह देश का भेषज हो, देश की वेशभूषा हो, वह देश की परंपराएं हो, देश की संस्कृति हो, देश की आस्थाएं हो, देश के विश्वास हो, तो स्वदेशी एक बहुत विराट दर्शन है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता से लेकर के हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ता है। ऐसा विचार, ऐसा चिंतन, ऐसा संकल्प, ऐसा व्रत। और स्वदेशी को अपनाने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि स्वदेशी का प्रयोग, उसके पीछे हमारे तर्क हैं, उसके पीछे देशहित की भावना है, उसके पीछे इस राष्ट्रहित की भावना ही नहीं, एक आम गरीब का दर्द है, उस पीड़ा है। और ये सारा का सारा दर्शन
आज आपके सामने हम रखेंगे। और एक अंतिम आग्रह मेरा, और एक आह्वान, एक अपील, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक विनती देश के मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग से, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोग एक व्रत कर लें कि हमें स्वदेशी का व्रत ही करना। महात्मा गांधी के उस जमाने में ऐसा हुआ था कि बड़े लोगों ने आग्रह पूर्वक स्वदेशी का व्रत लिया था और तमाम विदेशी चीजों का बहिष्कार किया था। मुझे लगता है फिर से उसी संकल्प की आवश्यकता है। आज हम अपने पैरों में बाटा के जूते चप्पल ना पहने, इस स्वदेशी के व्रत को, इस स्वदेशी के आंदोलन को हमें बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना है। और ये स्वदेशी का संकल्प जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, गांव गांव तक पहुंचे और पूरा देश 100% स्वदेशीमय हो जाए, ऐसा संकल्प हमें लेकर के जाना है। आज हम कहने को स्वतंत्र हैं, कहने को हम अपने देश में जी रहे हैं, लेकिन हमारा अपना क्या है? अपनी भाषा, अपनी भेषज, अपने न्याय व्यवस्था, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी चिकित्सा व्यवस्था, क्या है अपना? सब कुछ तो हमारा तन मन विचार भाव संस्कार सब कुछ विदेशियों जैसा है, तो फिर कहां हम भारतीय कहलाएं? बहुत बड़ा संकल्प। और देश के लोगों को हम समझाएंगे तो समझ में आएगी। जब मुझे समझ में आई ये बात, तब मैंने विवेक पूर्वक स्वदेशी को स्वीकार किया था, ऐसे बहकावे में आकर के नहीं, अज्ञान में इस बात को स्वीकार नहीं किया था, हठ दुराग्रह से, अहंकार या स्वार्थ से वशीभूत होकर के इस बात को स्वीकार नहीं किया था। और आज मैं विदेशी साबुन से हाथ नहीं धोता हूं, विदेशी शैंपू का तो प्रश्न ही नहीं। और अब तो आपको आश्रम के इतने सुंदर उत्पाद मिल गए हैं, आश्रम के भी उत्पादों में देखो मानो कि आप साबुन ही प्रयोग में लाते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप आश्रम का ही केवल उत्पाद प्रयोग में लाएं, जहां पर भी आप स्वदेशी वस्तु देखें, और उसमें हम अभी और भी कुछ चीजों को करने वाले हैं, इसमें गुणवत्ता पूरी रहे, मूल्यों का निर्धारण ठीक से हो। बस आश्रम में एक खास बात है जो दूसरे नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है वो, क्योंकि आश्रम के बने हुए जो उत्पाद हैं, पहली बात तो इसमें गुणवत्ता पूरी है, चाहे वो साबुन हो शैंपू हो। लेकिन इसकी अगली बात एक और है कि इससे होने वाला जो लाभांश का प्रयोग है वो 100% राष्ट्रहित के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वैयक्तिक हितों के लिए उसका प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ये एक बड़ी बात है, ये कोई दूसरी स्वदेशी कंपनियां भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उनको अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान चलाने, उनको और ज़्यादा अपने उद्योगों का विस्तार देना है, और ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, मैं उसमें कोई दोष भी नहीं मानता, क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। इसलिए हमने इस अभियान को राष्ट्र सेवा के रूप में लिया है, लेकिन जो व्यापार कर रहे हैं मेरे देश के भाई बहन, वो भी इस देश की समृद्धि के लिए ही काम कर रहे हैं, और उद्योग हमारे विकास के मंदिर हैं। इसलिए आश्रम से तुलना करके सबको नहीं देखना चाहिए, जो भी स्वदेशी उद्योग हैं उनको हमें पूर्ण सम्मान के साथ देखना चाहिए। और हम एक स्वदेशी उद्योगों की इतनी बड़ी ताकत हम बढ़ाना चाहते हैं इस देश में कि सभी क्षेत्रों से विदेशी कंपनियां मुंह की खाएं, वो पराजित होकर के ऐसे ही भारत छोड़ करके जाएं जैसे रात को 12 बजे अंग्रेज भारत छोड़ करके भागे थे। इस तरह का एक विचार, एक जज्बा इस देश में हमको पैदा करना है, और स्वदेशी को अपना करके इस देश को हम बचाएंगे, नहीं तो ये विकासशील और गरीब देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा उनके संपूर्ण संसाधनों और संपत्ति पर विदेशी कंपनियां कब्जा करके उनको आर्थिक गुलामी, क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं अपने अपने युग में देशों को गुलाम बनाने के, तो आज देश को जो गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम इस देश की आज़ादी को किसी भी कीमत पर मिटने नहीं देंगे। ये संकल्प है हमारा। मैं भाई राजीव जी को आगे के उद्बोधन के लिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरह से विदेशी कंपनियां षड्यंत्र रच करके देश को लूटती हैं, बर्बाद करती हैं, तबाह करती हैं और गुलाम बना करके छोड़ देती हैं, और उस देश के अंदर फिर किसी भी तरह का स्वाभिमान फिर बसता नहीं है। तो विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र के बारे में पूरे तथ्य और आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक तर्क के साथ में और तथ्यों के साथ में अपनी बात रखेंगे, और आप उन्हीं तथ्यों और आंकड़ों को देश के अंतिम गांव के आदमी तक लेकर के जाएंगे, और मैं पूरा भरोसा रखता हूं पूरा देश स्वदेशीमय होगा। भाई राजीव जी, परम पूजनीय स्वामी जी,
भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने भारत देश में विदेशी कंपनियों की लूट और उसका विकल्प स्वदेशी, इस विषय पर कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े, कुछ जानकारियां और कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। हमारे भारत देश में इस समय लगभग 5,000 विदेशी कंपनियां पूरे भारत देश में व्यापार कर रही हैं। इनमें से कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो सीधे अपनी शाखा स्थापित करके भारत में व्यापार कर रही हैं, कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके व्यापार कर रही हैं। सीधे व्यापार करने वाली कुछ कंपनियां हैं, जैसे पेप्सी कोला है, कोका कोला है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, रैकेट एंड कोलमैन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, सीबग आईगी है, नोवार्टिस है, हिंदुस्तान लीवर है। ये सारी कंपनियां सीधे व्यापार करती हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके व्यापार करती हैं, और कुछ कंपनियां हैं जो सीधे काम करती हैं। और समझौते दो तरह के होते हैं, एक तो कुछ कंपनियां तकनीकी रूप से समझौते करती हैं भारत में, और कुछ कंपनियां वित्तीय रूप से समझौते करती हैं, पूंजी के आधार पर समझौते करती हैं। तो सीधे काम करने वाली, समझौता करके काम करने वाली कुल कंपनियों की संख्या लगभग 5,000 है। इन कंपनियों को हमारे देश में बुलाया गया है। हमारे देश में सन 1991 से सरकार की एक नीति चल रही है, उस नीति का नाम है उदारीकरण, उसका एक दूसरा नाम है वैश्वीकरण, और एक उसका तीसरा नाम है निजीकरण। अंग्रेजी में इसको ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। आप नियमित रूप से अगर समाचार पत्र पढ़ते होंगे, अखबारों को पढ़ते होंगे, टेलीविज़न चैनल पे न्यूज़ देखते होंगे, तो बार बार आपको ये शब्दों के बारे में जानकारी मिलती होगी कि भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति के तहत इतनी विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया। कभी ऐसा समाचार आता है कि भारत सरकार ने वैश्वीकरण की नीति के तहत इतनी अधिक विदेशी पूंजी निवेश के समझौते किए। कभी ऐसा समाचार आता है कि भारत सरकार ने तकनीकी आयात करने के लिए इतनी विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया। ऐसे समाचार हमारे जीवन में पिछले करीब 15-17 वर्षों से नियमित रूप से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इन नीतियों के तहत ये विदेशी कंपनियों को बुलाया जा रहा है। सरकार को जब ये कहा जाता है कि आप इन विदेशी कंपनियों को क्यों बुला रहे हैं, जबकि हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि गलती से हमने 17वीं शताब्दी में एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला लिया था और हम 200-250 साल के लिए गुलाम हो गए थे। अब आज़ादी के 62-63 वर्षों के बाद 5,000 से ज़्यादा कंपनियों को बुलाना क्या देश की आज़ादी को गिरवी रखने जैसा नहीं है? क्या हमारी देश की आज़ादी के साथ कोई समझौता तो नहीं हो रहा है? क्या हमारी देश की आज़ादी खतरे में तो नहीं पड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर हम दोबारा से गुलाम हो जाएं उन देशों के, जिनसे मुश्किल से हम 1947 में आज़ाद हुए? तो सरकारों के सामने जब ये तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि आखिर आप इन विदेशी कंपनियों को बुला क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है इनकी, क्या हम भारतवासी अपना विकास खुद नहीं कर सकते, क्या हमारे पास पूंजी की बहुत कमी है, क्या हमारे पास तकनीकी नहीं है, क्या हमारे पास श्रम शक्ति नहीं है, ऐसी कौन सी कमी भारत में है जो हम विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं? तो सरकार की तरफ से चार उत्तर दिए जाते हैं, चार तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला तर्क हमारी सरकार देती है कि जब विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं तो इनके आने से पूंजी आती है, इनके आने से पैसा आता है, और भारत को पूंजी की ज़रूरत है, इसलिए विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है। फिर दूसरा तर्क हमारी सरकार ये देती है कि जब ये विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं तो भारत का निर्यात बढ़ता है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि कई सारी विदेशी कंपनियां भारत सरकार से जो समझौता करती हैं वो निर्यात का समझौता होता है, एक्सपोर्ट का समझौता करते हैं। तो सरकार का ऐसा कहना है कि इन कंपनियों के आने से भारत का निर्यात बहुत अधिक बढ़ सकता है। और तीसरा तर्क भारत सरकार का ये है कि जब ये विदेशी कंपनियां आती हैं और हमारे देश में इनके कारखाने लगते हैं तो उन कारखानों में लोगों को रोज़गार मिलता है, काम मिलता है,
और लोगों को रोजगार और काम मिलने से गरीबी कम होती है, बेकारी कम होती है। ये तीसरा तर्क है। और चौथा और आखिरी तर्क है हमारी सरकार का, जो सबसे बड़ी ताकत से सरकार हमारे सामने प्रस्तुत करती है, वो ये कि जब भी विदेशी कंपनियां आती हैं तो हमारे देश में तकनीकी आती है, टेक्नोलॉजी आती है। विदेशी कंपनियों के आने से हमको तकनीकी मिलेगी, विदेशी कंपनियों के आने से भारत में रोजगार बढ़ेगा, विदेशी कंपनियों के आने से भारत में पूंजी निवेश ज़्यादा होगा और विदेशी कंपनियों के आने से भारत में निर्यात अधिक होगा। इन चार तर्कों के आधार पर हमारी सरकार विदेशी कंपनियों को बुलाती है। जो विदेशी कंपनियों को बुलाए जाने के तर्क हैं उनका कुछ समय से मैं अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जानने की कोशिश करता रहा हूँ कि क्या सरकार के द्वारा दिए गए ये तर्क सच हैं, क्या वास्तव में हमारे देश में पूंजी आ रही है, क्या वास्तव में कोई तकनीकी हमें मिल रही है, क्या हमारा सच में निर्यात बहुत बढ़ रहा है या हमारे देश में रोजगार बहुत अधिक हो रहा है। इन आधारों पर ये जानने की कोशिश की और इसके लिए सरकार के ही दस्तावेज मैंने इकट्ठे किए और पिछले कुछ वर्षों से जो सरकारी दस्तावेज मैंने देखे, पढ़े, समझे, जाने, ये दस्तावेज कुछ दूसरी कहानी कहते हैं, बिल्कुल दूसरा चित्र प्रस्तुत करते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार के दस्तावेज ही सरकार की पोल खोलते हैं। और सरकार के जो दस्तावेज हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप जानते हैं सबसे अधिक दस्तावेज हैं विदेशी कंपनियों के बारे में। फिर हमारे देश में जो मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे एक विदेश व्यापार मंत्रालय हमारे देश में है, उनका एक विदेश व्यापार निगम है, उसके कुछ दस्तावेज हैं, उसके कुछ आंकड़े हैं। फिर हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है, जो उद्योग मंत्रालय है हमारे देश का, वाणिज्य मंत्रालय है, उसके कुछ आंकड़े हैं और वित्त मंत्रालय के कुछ आंकड़े हैं। उन आंकड़ों के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो चित्र बिल्कुल दूसरा ही दिखाई देता है। और वो चित्र ये दिखाई देता है कि विदेशी कंपनी भारत में आकर पूंजी नहीं लाती है, विदेशी कंपनी भारत से पूंजी लेकर जाती है। आप जरा एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करें कि कोई कंपनी अपने देश की पूंजी भारत में क्यों लाएगी। जिस अमेरिका में पूंजी की इतनी सारी कमी हो, वहां से कोई कंपनी पूंजी लेके भारत में क्यों आएगी? ये मोटी सी समझने की बात है। और दूसरी बात, अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत में आएगी तो जान लीजिए वो अपनी पूंजी लेके नहीं आएंगे, यहां से पूंजी अमेरिका ले जाने के लिए आएंगे, क्योंकि इसीलिए वो बनाए गए हैं, इसीलिए उनकी रचना की गई। ऐसे ही यूरोप के देशों से कोई कंपनी यहाँ पूंजी लेके नहीं आएगी, यहाँ से पूंजी लेकर वो यूरोप में जाएगी। मैंने जिन 5000 विदेशी कंपनियों का पिछले दिनों अध्ययन किया उससे एक बात समझ में आई, वो आप सबको बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, उसने 50 रुपए भारत में निवेश कर दिया 2009 में, तो ठीक एक साल के बाद 2010 में उस कंपनी की बैलेंस शीट जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उसने हर 50 रुपए पर 150 रुपए यहाँ से कमा के अमेरिका को भेज दिया। $1 यहाँ लाया और $3 वो यहाँ से लेकर चले गए। 1991, 92, 92, 93, 93, 94, हर साल की मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े इकट्ठे करता रहा कि एक साल में कितनी पूंजी आती है। मान लीजिए एक साल में कभी 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी आई तो उसी साल में 60,000 करोड़ की पूंजी यहां से चली गई। एक साल में मैं आंकड़े देखता हूं 25,000 करोड़ की पूंजी आई तो उसी साल में 75,000 करोड़ की पूंजी यहां से चली गई। एक साल में पता चला 30,000 करोड़ की पूंजी आई तो उसी साल में 90,000 करोड़ की पूंजी यहां से चली गई, ठीक एक साल के बाद। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में है। तो ज़्यादा हमारे देश में पूंजी आती नहीं है, ज़्यादा यहाँ से पूंजी चली जाती है। एक एक साल के आंकड़े निकाले मैंने और फिर इकट्ठे 15-16 साल के आंकड़े मैंने निकाले तो पता चल रहा है कि $1 अगर आ रहा है, $3 से $4, कभी कभी तो $5 उसी साल में यहाँ से वापस जा रहा है। अब इसमें और एक महत्व की बात है कि अपनी पूंजी वो लगाते हैं, एक साल में ही उसका 3 गुना कमा लेते हैं और उसके अगले अगले सालों तक 10 साल 15 साल 20 साल तक बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी पूंजी निवेश के वो यहाँ से करोड़ों डॉलर कमाते रहते हैं।
आप इसको सरल तरीके से समझिए कि 50 रुपए लगाकर उन्होंने धंधा शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, पहले ही साल में 150 रुपए कमा लिया तो 3 गुना तो वो ले ही गए। अब दूसरे साल में अगर वो 200 रुपए कमाएंगे, तीसरे साल में 300 कमाएंगे, चौथे साल में 400 कमाएंगे, तो हर साल जो जाएगा एक साल के बाद वो यहाँ से पूंजी की लूट है, ना कि पूंजी का भारत में प्रवेश। ये बहुत महत्व की और समझने की बात है। दूसरी एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, वो ये कि जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में पूंजी लाती है तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो अपने साथ बहुत थोड़ी सी पूंजी लेके आते हैं, बिल्कुल मामूली, बहुत थोड़ी, ना के बराबर, और बाकी सारी पूंजी वो व्यापार के लिए भारत से ही इकट्ठी करते हैं। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के बारे में चर्चा होती है, उनमें सबसे बड़ी विदेशी कंपनी इस समय जो है उसका नाम है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। नाम से इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये हिंदुस्तानी कंपनी है, वास्तव में ये विदेशी कंपनी है। इसका असली नाम है यूनिलीवर और ये ब्रिटेन और हॉलैंड के संयुक्त उपक्रम की कंपनी है। माने कुछ ब्रिटिश लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है और कुछ हॉलैंड वासियों का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो ये हिंदुस्तान लीवर नाम की कंपनी भारत में जब सबसे पहले व्यापार करने आई सन 1933 में, तो इस कंपनी ने पूंजी कितनी लगाई, इस कंपनी ने मात्र 15 लाख रुपये की पूंजी निवेश किया। इसको हम तकनीकी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआत में लगाई गई पूंजी। माने व्यापार शुरू करने के लिए जो सबसे पहले पैसा डाला जाता है वो धन, इनिशियल पेड अप कैपिटल, शुरुआती चुकता पूंजी। तो यही पूंजी महत्व की होती है। बाद में तो उस पूंजी में से जो मुनाफा पैदा होता है उस मुनाफे को वो लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, उस मुनाफे को वो पूंजी निवेश करते रहते हैं। और वो मुनाफा तो यहाँ पैदा हुआ है, वो तो विदेश से नहीं आया है। यहाँ उन्होंने 15 लाख रुपये लगाया, अपना व्यापार शुरू किया, अपना धंधा शुरू किया और थोड़े ही समय में उन्होंने मुनाफा कमा लिया, उस मुनाफे को फिर भारत में लगा दिया। तो वो मुनाफा उनके देश से नहीं आया ना, वो तो भारत में से ही पैदा करके उन्होंने यहां लगा दिया। तो वास्तव में जो भारत में से पैदा हुआ मुनाफा होता है वही कंपनियों के द्वारा भारत में लगाया जाता है। अपने देश से जब वो आते हैं तो बहुत थोड़ा सा पैसा लेके आते हैं। तो हिंदुस्तान लीवर का मैं बता रहा था, लगभग ये 15 लाख रुपए लेके भारत आए थे और 15 लाख रुपए लेकर ये आए तो इन्होंने कुछ व्यापार शुरू किया। उसी साल व्यापार के शुरू होने के 6-8 महीने के बाद इन्होंने थोड़ा सा और पैसा लाकर उसमें डाला, तो कुल मिलाकर पहले साल में इनका जो पूंजी निवेश हुआ वो 33 लाख रुपए का हुआ। अब ऐसा मान लीजिए कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने भारत देश में 33 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, धंधा शुरू किया, आज से लगभग 70-75 साल पहले। अब ये कंपनी जो भारत से मुनाफा कमा रही है एक साल में, वो है 14,740 करोड़ रुपए। ये इनका आधिकारिक है जो उनकी बैलेंस शीट में वो दिखाते हैं। 33 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया लगभग 70-75 साल पहले, फिर उसमें से मुनाफा कमाया, मुनाफे को भारत में लगाया, फिर और मुनाफा कमाया, फिर और लगाया, फिर पैसे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते इनका मुनाफा बढ़ता गया और वो बढ़ते बढ़ते आज हिंदुस्तान में इनका कुल मुनाफा हो गया 14,740 करोड़ रुपए, जिसमें से ये एक साल का है, जिसमें से ये बताते हैं कि लगभग 217 करोड़ रुपए शुद्ध रूप से विदेश लेके चले जाते हैं। अब आप इसको ऐसे तुलना कर लीजिए कि 33 लाख रुपए लगाकर हर साल 217 करोड़ रुपए यहां से ले जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए विदेशी कंपनी भारत में पूंजी लेकर नहीं आती है, यहां से पूंजी ले जाने के लिए आती है। और एक कंपनी का उदाहरण देता हूं, एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारे देश में जो सीधे व्यापार करती है, कॉलगेट पामोलिव, वो अमेरिका की कंपनी है। ये हिंदुस्तान लीवर थी ब्रिटेन की और हॉलैंड की, कॉलगेट पामोलिव है अमेरिका की। तो कॉलगेट पामोलिव ने हिंदुस्तान में जब व्यापार शुरू किया, उसका व्यापार भी लगभग आज से 65-70 साल पहले शुरू हुआ, तो उन्होंने भारत में जो रुपया लगाया था वो करीब करीब 13 लाख रुपए चुकता पूंजी,
शुरुआती पूंजी व्यापार शुरू करने के लिए सिर्फ 13 लाख रुपए लगाया कोलगेट पामोलिव ने, और आज कोलगेट पामोलिव हिंदुस्तान में से जो नेट प्रॉफिट कमा रही है और एक साल में वो यहाँ से अमेरिका लेकर जा रही है वो 231 करोड़ रुपए है। सिर्फ 13 लाख रुपए भारत में निवेश करके हर साल 231 करोड़ वो